गाइस अब देखो, अपन लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का देखा था, थोड़ा सा आज अपन एक और बार देख लेते, ठीक है। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बॉदर नहीं होना। मैं एस टी अगर लिख दूँ, ये टाइम है मेरा, इन सेकेंड्स है, ठीक है, तो मैं टी और ब्रैकेट में इन सेकेंड्स लिख रहा हूँ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर। मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ, फाइन, कुछ तो भी ऐसा, पहले मेरा क्वेश्चन ये है, वो कब कब रुका है? बी से सी पे रुका है, ई से एफ पे भी रुका है। सर आपको कैसा चला? स्ट्रेट लाइन मत बोलो बेटा, तुम लोग ये बोलो सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा था, मतलब वहीं पे रुका हुआ था, चेंज नहीं होता, ठीक है। मुझे ये बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ए टू बी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था और सी से डी भी। क्यों सर? कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। कब कब ऐसा हुआ है कि वो रिवर्स आ रहा था? डी टू ई। समझा ये चीज क्या हो रहा है आप लोगों को? फाइन, अब देखो नेक्स्ट चीज। अब देखो मैं आपको दो अलग अलग बंदों के ग्राफ बना के बता रहा हूं, फाइन। एक ये है और एक बंदे का कुछ तो भी है ऐसा है मे बी। तो रेड बंदा जो है मेरा, उसका क्या हो रहा है? देखो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो तो उसे क्या बोलते थे अपन लोग? यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। मतलब रेड वाला कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। ब्लू वाले का देखोगे तो पहले वो कम कर रहा था, फिर एकदम से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। इसको और बेटर समझाने के लिए मैं डेटा लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7, 8, मैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, 60, 70 कुछ। देखो वो रेड वाले ने पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में और 10 किया, नेक्स्ट एक में और 10, नेक्स्ट एक में और 10, ऐसे कर करके यूनिफॉर्म है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा था। यही बेटा अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ, पहले 1 सेकेंड में शायद उन्होंने 3 मीटर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में शायद से और 5 मीटर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में कुछ और शायद से कुछ तो भी किया, 2 मीटर और किया जो भी। फिर एकदम से देखो ये यहाँ पे इसने एकदम से 10 मीटर कवर किया, फिर यहाँ पे एकदम से 12-15 मीटर कवर किया, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो। तो ये मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन हुआ या नॉन यूनिफॉर्म है? ये समझा आप लोगों को? देखो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बनता है, फेयर इनफ है यहाँ तक है? कोई इशू किसी को? पक्का? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आगे बढ़े, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ पे आए क्या? अब देखो आपको जब भी स्पीड टाइम ग्राफ बनाना रहता है आप क्या करते हो मैं समझाता हूँ। अपन लोग पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं हो रहा हूँ मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अपन लोग क्या देखते थे याद है? वो ओडोमीटर, वो देखते थे हर सेकेंड बाद, अरे इतना हो गया, अरे इतना हो गया, अरे इतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पोजिशन देखते थे, उसका ओरिजिनल इससे निकाल लेते थे। स्पीड टाइम ग्राफ में आप स्पीडोमीटर देखोगे, ठीक है। तब ये देखो प्लीज़ ध्यान देंगे, मैं स्पीड टाइम बता रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई स्पीड मे बी इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज माई टाइम मे बी इन सेकेंड, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, वो टाइम का ऑब्वियसली आगे तक होना चाहिए था, तो कोई नहीं, जान भी ध्यान दो स्टार्ट करो। अब गाइस मुझे पहले बताओ मेरी गाड़ी कब कब रेस्ट पे है?
बी टू सी, डी डी टू ई एंड जी टू एच. गलत. कब कब? उसने कॉन्स्टेंट स्पीड बोला सही है. बेटा रेस्ट पे होने का मतलब क्या होता है? रुकी हुई. अरे मेरे भाई लोग, ये देखो, ये कुछ होगा मे बी 1 मीटर पर सेकेंड, ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे गाड़ी पूरा समय 3 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी तो रुकी हुई कैसे हुई? यहाँ पे गाड़ी पूरा समय 2 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी तो रुकी हुई कैसे हो गई मेरे भाई? हाँ, यहाँ पे गाड़ी पूरा समय 0 मीटर पर सेकेंड यानी रुकी हुई थी, तो वो एक ही बार रेस्ट पे है. बचा हुआ बी से सी पे, उसकी स्पीड सेम है. डी टू ई भी उसकी स्पीड, जी टू एच सेम, मतलब जीरो है. अब मुझे बताओ कब कब ऐसा हुआ है कि उसने एक्सीलरेटर पे पैर मारा है? ए से बी एंड ई से एफ, मतलब क्या हुआ? यहां पे स्पीड बढ़ रही थी. कब कब ऐसा हुआ है कि उसकी स्पीड यानी उसने ब्रेक पे पैर मारा है? सी टू जी, परफेक्ट. समझा? अगर एक्सीलरेटर पे पैर मारा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. ब्रेक पे पैर मार रहा है तो नेगेटिव. और अगर स्पीड सेम है तो जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो. भाई वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं तो कैसे हो जाएगा भाई? ये एग्जैक्ट सेम चीज मैं चाहता ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी यही बोल सकता था. ठीक है, तुम्हारे को निगेटिव वेलोसिटी वाली चीजें नहीं पूछने वाला है. निगेटिव वेलोसिटी मतलब तो वो रिवर्स में जाते रहेगा. अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है, भगवान की कसम बोलो तुमको, तुम बढ़िया समझ रहे हो. अब बस एक सोच समझ के बोलना, ठीक है ना? फट से आंसर नहीं, सोच समझ के. तब तक मैं गाजर ककड़ी खाऊंगा. पास कर भाई मेरा डब्बा. हाँ, कहाँ पे मेरे ये बंदे की स्पीड मैक्सिमम कब हुई है? सिर्फ और सिर्फ एस पे मैक्सिमम हुई है. इसके सिवाय मेरा बताओ कब मेरा मोशन यूनिफॉर्म मोशन था? सोच के, मेरे को चिल्ला चोट नहीं चाहिए, सोच के. ई टू एच, जी टू एच छोड़ दे बा, मोशन ही नहीं. हाँ बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब क्या था? स्पीड सेम होना. स्पीड सेम दो ही बार है वो, ठीक है. जो रेस्ट वाले तो छोड़ दो. तो बी टू सी एंड डी टू ई, समझाई चीज़ें क्या हुई है. अब अपन अपने नोट्स पे जाएंगे. वहाँ पे कई बार ग्राफ बने थे जो मैंने इग्नोर करवाया था. ठीक है, फिर एक और एक और एक आखिरी चीज़ था. क्या भाई? मुझे बताओ ब्लू वाला और रेड वाले में डिफरेंस क्या है? गुड, ब्लू वाला ऊपर जा रहा है, रेड वाला नीचे आ रहा है. भेताड़े, देखो कल ही बताया था गूगल मैप नहीं है, रास्ते नहीं है. करेक्ट, इसने बिल्कुल सही वर्ड में बोल दिया. परफेक्ट, ब्लू वाले में स्पीड या वेलोसिटी, उधर शिफ्ट जा पूरा, चल कोंटे में, वहां कोंटे बैठ जा, चल ब्लू वाले में. उठ उठ वहां से, वहां बैठ जा. ब्लू वाले में आपकी स्पीड बढ़े जा रही थी या वेलोसिटी बढ़े जा रही थी, मतलब आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था. रेड वाले में आपकी वेलोसिटी घटे जा रही थी. तू तू बिल्कुल परफेक्ट बोला बेटा. अब ये एक ब्लैक ये है और एक ब्लू ये है. बेटा प्लीज प्लीज टाइम पास मत करो, उसका लगा दे चार्जिंग पे. अच्छा वो उस पर रख दे, ठीक है. गाइस प्लीज चांद, बेटा मेरे को ब्लैक और ब्लू वाले में डिफरेंस बताओगे? गुड, दोनों यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहती थी. एक जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. देखो तुम्हारा ब्लैक या ब्लू यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन में तब होता है ऑब्जेक्ट जब वो सेम स्पीड से जा रहा था. ये सेम स्पीड है या भाई? स्पीड बढ़े जा रही है. दोनों पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी है, बस डिफरेंस क्या है पता तुमको? ये ब्लैक वाली की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
सेम है, मतलब वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी में है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जबकि ये ब्लू वाला वैसा नहीं है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलग है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। तुम लोगों को याद है पता, तीन फॉर्मूले यूज कर रहे थे, क्या थे तीन फॉर्मूले हमारे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नेक्स्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो ये ब्लैक वाले में यूज हो जाएंगे, वो ब्लू वाले में यूज नहीं होंगे। तो फिर ब्लू वाले में क्या करेंगे, ग्राफ के समय क्या करने वाले हो, वो तुमको सीखने मिलेगा 11th में, थोड़ा बहुत अभी देख ले गए थे। और सर विदाउट ग्राफ में वो तो अपने कभी देखने नहीं, वो 11th में पक्का देखेंगे, ठीक है। तुमको ये ब्लू वाले केस ये न्यूमेरिकल नहीं रहने वाले, ठीक है। हाँ बोलो, बोलना दोनों में रहेगा, वैसे समझते को दोनों में जाएगा, देखो एप्लीकेशन कोर मार्क्स में आ जाएगा, अप्लाइड मार्क्स में नहीं आएगा, यानी ये वाला एप्लीकेशन, कोई और चीज़ के इसमें एप्लीकेशन आ जाएगा उसका। हाँ ना डिसाइड करके आओ, खाने नहीं दूंगा देखो। हाँ बता रहा हूँ, देख ब्लैक वाले की स्पीड एक ही रेट पे चेंज हो रही है, और तू एक्सेलरेट धीरे 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 ऐसा किए जा रहा है सेम इससे। ब्लू वाला वैसा नहीं है, ब्लू वाले की स्पीड रैंडमली शुरू पर धीरे से कर दो, एकदम से बढ़ाया फिर धीरे धीरे कर बढ़ा शुरू, तो तू स्पीड बढ़ा, ब्लैक वाला सेम रेट पर आए, ब्लू वाला अलग रेट पर आए, स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेशन, तो तेरा ब्लैक वाले का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ब्लू वाले का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तुम्हें ब्लू वाले का सिचुएशन नहीं देखने वाले, फेयर इनफ। हाँ बोलो अरफ, हाँ बेटा, और किसी को कोई भी क्वेरीज है बेटा इसमें? हाँ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट तुमको उस बारे में है ही नहीं, ठीक है। अब गाइस अगर दिया है तो बढ़िया है, एक सेकंड, पार्श्वा विवान रुद्र राजा ऋभव लक्ष प्लीज अपने कैमरा ऑन करो। अब गाइस प्लीज 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 प्लीज, अब देखो ये जो फुद्दू वाले ग्राफ थे जो मैंने छोड़े थे पहले, वो सब देखेंगे अभी अपन लोग, ठीक है ना। ये देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ही रेट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया है, यहाँ पे अलग रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, रेस्ट नहीं है मेरे भाई, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या क्या देख, यहाँ पे डिस्टेंस एक ही रेट पे चेंज हो रहा है, तुम देखो डिस्टेंस टाइम में क्या है, डिस्टेंस एक ही रेट पे चेंज होना मतलब क्या हो गया है, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्लियरली उसने स्पीड सेम बना के दी हुई है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे देखो रैंडमली चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यहाँ पे देखो अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, अगर मेरी वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉन जीरो, कुछ तो भी रहेगा, वन रहेगा, टू रहेगा, टेन रहेगा, थाउजेंड रहेगा, माइनस फोर रहेगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो नॉन जीरो रहेगा। वो देखो वही स्पीड सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मुझे बताओ ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो गया है, ठीक है ना। अब देखो अब अपन लोग एक एक को इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एक ही रेट पे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस देखो यहाँ पे भी एक ही रेट पे बढ़ रहा है, पर डिफरेंस क्या है, ये ना नई नवेली गाड़ी थी जिसका ओडोमीटर जीरो किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, तब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था, ये सेकेंड हैंड गाड़ी है, पहले 100 किलोमीटर चल के आई थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही 100 किलोमीटर है मेरे ओडोमीटर पर लिखा, फिर है ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही मेरा, ठीक है ना। बस जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया है तो वो जीरो पे नहीं था उसका ओडोमीटर। एक बार इसको डाउट से एक समझो, क्या ये बताओ क्या ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है पापी, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो रेस्ट पे है,
बताओ अब ये इसका मतलब क्या हुआ है? करेक्ट बेटा, डिस्टेंस कम हो सकता है क्या कभी? तुम चल रहे हो तो डिस्टेंस कभी कम होगा क्या? नहीं। तो ये पॉसिबल है, तो पीछे जाएगा तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा, या तो 4 किलोमीटर आगे गया, 3 किलोमीटर पीछे गया तो भी 7 हो गया ना। ये डिस्प्लेसमेंट में पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हो गया? आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का ऐसा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये यहाँ पे गाड़ी अपनी रुकी हुई है, यहाँ पे गड्डी अपनी रिवर्स आ रही है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बोल भाई मेरे। लिखना कुछ नहीं है, समझने के लिए। एक मिनट जाओ, एक मिनट जाओ, जो भी पूछा था बेटा, आई थिंक इट वाज रुद्र, एक मिनट जाओ। हाँ बोल, क्या हाँ हाँ कौन बोल रहा है, कोई डाउट है जिसको? नहीं 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 आएगा तुमको ना, टुगेदर विद में क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, तो उसका आंसर नो हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो स्पीड टाइम ग्राफ का, ये इसका मतलब क्या हुआ है? स्पीड कांस्टेंट है, गाड़ी रुकी हुई है, किसी ने बोला बुक्की खाएगा मेरे हाथ से, हो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक कैसा तरीके का हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है? करेक्ट। स्पीड नेगेटिव हो सकती है कभी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये यूनिफॉर्मली स्पीड मेरी बढ़े जा रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे स्पीड कम होना पॉसिबल है ना, मेरे भाई ब्रेक मार रहा है, यूनिफॉर्मली स्पीड घट रही है, मतलब क्या हो जाएगा? ये रिटार्डेशन। हाँ बेटा, वेलोसिटी टाइम में लिखा है बेटा, स्पीड टाइम लिखा अपना भी। गलत लिखा है बेटा, वो यूनिफॉर्म मोशन है, सॉरी, ये यूनिफॉर्म मोशन है, आई एम सॉरी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? बेस्ट। ये वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है पापी, रिवर्स चल रही है गाड़ी अपनी, तो रिवर्स चलती है वेलोसिटी अपनी नेगेटिव हो जाती है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये दोनों सिचुएशन के न्यूमेरिकल जो अपन यूज करते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो ये दो सिचुएशन रहते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसके इसमें यूज नहीं कर सकते हम लोग। समझा गया ये क्या हुआ है? श्योर। मुझे सिर्फ आप लोग 2 मिनट का ब्रेक दोगे, जैसे मैं फटफट खा लूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है, फिर अपन लोग इसके ग्राफ जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो देखने वाले, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है ना, तुमको कहीं जाना नहीं है। अब बेटा, अब अपन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को शायद से समझे नहीं ऐसा क्यों होता है, बट आप अभी के लिए उसको ब्लाइंडली रट के चले गए, उसे अपना क्वेरीज जो थे वो कर लेता हूँ। यस राजा बोलो। बेटा आज के आगे, हाँ आज हम स्कूल में इक्वेशंस बताए, जो अपना अभी फिनिश हुआ ना, हाँ v equals to u t plus a t वाला, बेटा v equals to u t plus a t नहीं, v equals to u plus a t है बेटा, plus a t वाला, हाँ उसके 3 इक्वेशंस बता रहे थे आज स्कूल में, वो लोग बोल रहे थे कि स्लोप वगैरह के बाद, वो ही मैं बता रहा हूँ बेटा, भी देखो वो जो स्लोप लोप तो कुछ बोली ना, वो अपन डिस्कस कर रहे हो, टेंशन मत लो, अपन सब कवर करने वाले हैं। अब गाइस प्लीज शांत, अब प्लीज ध्यान देंगे बेटा, 2 वर्ड सुन लो, पहला वर्ड तुमको समझ में आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरा कुछ ग्राफ ऐसा है, ठीक है, हाँ मुझे बताऊंगा तुमको,
तुमको एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया, ठीक है, ये तो तुमको समझता है। दूसरी चीज़ है स्लोप, जो तुमको नहीं समझता है, तुमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था तुमको समझना उसका मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला होता है। तुम लोगों को पहले तो ये चीज़ रटनी है, स्लोप का फॉर्मूला वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वाई टू वाई वन क्या है, एक्स टू एक्स वन क्या है, सुनो ओए 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 मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो बस तुम लोग, ठीक है ना। स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सर ये एक्स टू एक्स वन वाई टू वाई वन क्या है तुमको पता है बेटा, ये कोऑर्डिनेट याद है तुमको, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोऑर्डिनेट, ये दो पॉइंट का जो स्लोप निकालना है, तो ये बन जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन, ये बन जाएगा मेरा एक्स टू कॉमा वाई टू। ये सब चीज़ अपन समझने वाले हैं, ठीक है। सानवी बोलो क्या कर्व लाइन, देखो बेटा लाइन्स आर ऑल्सो कर्व्स, कर्व्स आर नॉट लाइन्स, ठीक है ना, पोस्ट चीज का समझ सको जवाब, ठीक है। अब ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम लोगों को कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मेरा सजेशन है आप लिख लोगे। जैसे तुम लोगों ने अभी रटा क्या था, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वैसे तीन इक्वेशन रटी थी ना, भाई तुमको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, वो तुम तीन चीज़ें अभी की अभी रटने की कोशिश करोगे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं बेटा, कुछ कुछ रटना पड़ेगा आपको, वो बाद में देख लेंगे। क्या बेटा प्लीज बातें मत करो यार, प्लीज मेरे सुना नहीं जरा, रिजेक्शन रोकड़े, मैं ना क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा मैंने गलत लिखा, रुको 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 रुको, मैंने गलत लिखा है, गाई गाई सॉरी 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 सॉरी, वो स्लोप था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ गॉड सॉरी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सलरेशन देगा, वो ठीक है। और ये क्या बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों को एक्सलरेट कहते हैं, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। सर ये कैसे रटेंगे वो आपके ऊपर है, तुम दिन में 10 बार वो जो करना करो। सर एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ नहीं आता क्या, नहीं वो काम का ही नहीं है, ठीक है ना। टाइम है बेटा, नहीं नहीं मैं आप तुम लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, वैसे तुमको समझी तो ठीक है। हाँ तुमको देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल के समय पे। हाँ बेटा ए सी थी, उन्होंने एक्सेलरेशन लिखा है। मैं तुमको एक बहुत ही फालतू की ट्रिक बताऊंगा, समझी तो बढ़िया है, तो तुमको खुद को बनाना पड़ेगा अपनी खुद की, ठीक है ना। लिख लो फटाक से स्कोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन करने वाले खूब दिनों तक के, अभी खूब दिन है, ट्यूसडे फिर थर्सडे को अपन उसका डेरिवेशन करेंगे। नहीं बेटा अभी तो नहीं, तुम्हारे पेपर्स में आएगा, स्कूल के पेपर में आते हैं बेटा ये, यानी अपने ट्यूशन के पेपर में भी आएगा, सेंटर पॉइंट का भी जब पेपर है उसमें नहीं आ रहा अभी। अब गई शान, अब देखो एक चीज़ ये याद रख लो, स्लोप निकाले तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, एरिया निकालते तो एक स्टेप पीछे जाते हैं लाइफ में, ठीक है ना। स्लोप से चढ़ाव होते हैं अपने लाइफ में तो एक स्टेप आगे बढ़ते, बस ये आता था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो तुमको याद है क्या, अपन जब फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे सबसे पहले क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, उसके बाद में क्या स्पीड वेलोसिटी पढ़े थे, उसके बाद में एक्सेलरेशन पढ़ा था अपन लोगों ने। तो यहाँ का अगर स्लोप निकालोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, यहाँ का अगर स्लोप निकालोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ का अगर एरिया निकालोगे तो एक स्टेप पीछे, वैसे यहाँ का भी एरिया निकालोगे तो एक स्टेप पीछे जाओगे,
एफ के एरिया से पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, और ए का स्लोप निकाल के आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, बेटे एरिया का स्लोप कुछ और झटका कितने जम के झटका पड़ रहा है जर्क वो बताता है, पर तुमको है नहीं अभी तो इसे छोड़ दो। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखो, अगर स्लोप निकालोगे तो एक स्टेप आगे बढ़ोगे ठीक है, और अगर एरिया निकालोगे तो एक स्टेप पीछे। रेयरली आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा जिससे आपको एरिया निकालना पड़ेगा, बहुत रेयर। मेजरली वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही रहता है, या तो एरिया निकालो या तो स्लोप निकालो। अगर वेलोसिटी टाइम का मैं स्लोप निकाला तो कहाँ, एक स्टेप आगे कि पीछे, आगे, तो वेलोसिटी से आगे क्या था, अगर एरिया निकाल लिया तो पीछे, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दिया तो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट, उसका स्लोप निकाल दिया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो, तो अगर स्लोप निकाला तो एक स्टेप, एरिया निकाला तो एक स्टेप। सर ये रटने के लिए ठीक है अभी के लिए, बड़े होकर आपको अपने आप रटा हुआ रहेगा। अब गाइस हम लोग आते हैं स्लोप और इसके ऊपर एरिया के ऊपर, ठीक है ना। हाँ बोल अक्षत। जर्क है, जर्क का साइंटिफिक जर्क ही है, यानी उसका वो कुछ नहीं है, जर्क मतलब झटका वही रहेगा उसका, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स यू जर्क, बट तेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तेरे एज में, 11th स्टैंडर्ड में होता है चेंज, बट जितना मुझे याद है हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जर्क भी यूज़ कभी नहीं किया था, आई एम नॉट श्योर, बट हमको बताया गया था। और कितना डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। अब गाइस यहाँ ध्यान देंगे, अब अच्छी चीज़ें सीखने वाले अपन लाइफ में, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। मैं आपको वो चीज़ सपोर्ट करने के लिए न्यूमेरिकली भी बता दूंगा, पहले अपन ग्राफ के थ्रू निकालेंगे चीज़ें, फिर अपन न्यूमेरिकली भी निकाल लेंगे, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, टाइम पास कोई नहीं करेगा अभी, हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पे अभी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये देखो, अगर ये मान लो मेरा कुछ ग्राफ ऐसा बना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टाइम मेरा ज़ीरो है, ये टाइम मेरा मे बी 10 सेकेंड्स है, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा मे बी 5 मीटर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट मे बी मेरा 35 मीटर्स है फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरा है क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्वियसली मीटर्स में है, ये टाइम मेरा ये सेकेंड्स में है। मुझे अगर वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एरिया से या स्लोप से, स्लोप से। किसी को स्लोप का फॉर्मूला याद है, y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। अब देखो ये इसका कोऑर्डिनेट लिखना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, x कॉमा वाई वाला 0, 5 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट किसी को लिखना आता है 10, 35। वो सूडा बोलती है, मस्ती करता है, यार तेरा नाम बदनाम की थी सूडा ना, ठीक है सही। अब देखो सर, किसको x1 y1 मानो, किसको x2 y2 मानो, आपकी इच्छा, जिसको x1 y1 मानना उसको मानो, इसको x1 y1 मानना इसको मान लो, या इसको मानना है आप इसको भी मान सकते हो, ठीक है, श्योर ना। मेरे को समझा नहीं बेटा, क्या हुई तू बेटा, देखो मैंने मान लो इसको x1 माना है, तो ये x2 नहीं बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा y1, ये फिर अपना x2, ये y2। अब देखो मेरा स्लोप जो कि क्या देने वाला था मुझे, वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह y2 - y1 / x2 - x1, 30/10 मतलब आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। समझे जी क्या हुआ, समझा। जिनको भरोसा नहीं है कि ये सही आंसर है, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना और होगा, पहले आप लोगों की गाड़ी में लिखा हुआ था 5 मीटर, फिर गाड़ी में लिखा हुआ आया है 35 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट 30 हुआ है। टाइम कितना लगा आपको, 10 सेकेंड लगा, तो देख लो स्पीड या वेलोसिटी आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब 3 मीटर पर सेकेंड ही आई थी, समझाई थी क्या हुआ है। आपको सिंपल सा स्लोप का फॉर्मूला लगाना पड़ा, स्लोप का फॉर्मूला क्या है मेरा, y2 - y1 / x2 - x1। हाँ बेटा तूने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक के, तो फिर ये वाला कोऑर्डिनेट तेरे को निकालना कैसे नहीं आ रहा है कि 0.5 रहेगा और ये वाला तेरा
ये पॉइंट रखा था वो कैसे नहीं समझ में आ रहा है 10.35। यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट रहेगा, यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट रहेगा, कोई और क्वाड्रेंट से आने वाला है, ठीक है। हाँ मैं एरिया लेता तो मेरा कोई काम में नहीं आता था, अब मुझे वेलोसिटी पूछी गई थी इसके लिए कि फाइंड द वेलोसिटी का क्वेश्चन ही था। अब देखो बढ़िया सा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन। फिर अपन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कॉम्प्लेक्स जो है नहीं बट कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कब, ट्यूसडे को, ठीक है ना। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, मैं अब बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा देखो अगर ये एसआई यूनिट में नहीं रहे ना, मैं सजेशन है एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अभी तो अपन एसआई यूनिट में ही रख रहे हैं, मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। गाइस प्लीज शांत। ये देखो ये मान लो कुछ है मेरा 10, ये है मेरा कुछ 50, ये है मेरा 0, ये है मे बी मेरा कुछ अगेन 10 फॉर एग्जाम्पल। मुझे बताओ स्लोप निकालूंगा तो क्या निकलेगा मेरा वेलोसिटी टाइम आपका, एक्सेलरेशन देगा। सर स्लोप का फॉर्मूला क्या था, सर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 0.10, इसका कितना हो गया है 10.50। मैंने लगाया फॉर्मूला मेरा, सर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा मेरा, अभी देखो 50, यानी देखो आप इसको x1 y1 मानना चाहते मान लो, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, x2 y2, तो सर ये क्या हो जाएगा मेरा 10-50 अपॉन 0-10 मतलब -40 अपॉन -10 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब देखो अगर मैं ऐसे नहीं, मैं सोचो सर ये मेरे को भरोसा तो आ नहीं रहा, सही बोल रहे क्या, मेरे को बताओ इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी उसकी, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, यू उसकी 10 थी, फाइनली वेलोसिटी कितनी हुई थी उसकी, टाइम कितना लगा, देखो ए एस वी माइनस यू अपॉन टी होता है 50-10/10, 40/10 मतलब 4 ही आ रहा है आप लोगों का, समझे जी क्या हुआ है। हाँ बोल, ऐसा नहीं देगा कुछ भी, ऐसा नहीं देगा। हाँ वो बेटा ए है, वो सी एल नहीं है, ए ये ए था मेरा। अब गाइस प्लीज़ 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 बातें नहीं, अब देखो अब अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट मांगता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है, एरिया से। अब सुनो सेंटर पॉइंटर स्पेशली, तुम लोगों को लास्ट टाइम मेंसुरेशन में एक पार्ट कटाया गया था ट्रपेजियम फिगर। ट्रपेजियम फिगर होता क्या समझ लो बेटा, जिसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। हाँ बेटा लास्ट ईयर, बेटा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एट स्टैंड में कटा जाए तो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, नहीं भी कटाएगा तो मेरे को पढ़ाना है बस से। बेटा इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये उनके बीच है पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जेड है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड होता है एक्स प्लस वाई और हाइट तो मेरी एच ही है। तो देखो मेरे को अब एरिया निकालना है, तो गई थी देखो मेरा ये ट्रपेजियम बन रहा है, ऑब्वियसली इसके पैरेलल साइड ये एंड ये है, करेक्ट। तो देखो मेरा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मेरा 10+50 इनटू हाइट, ये हाइट रहेगा पैरेलल बीच का डिस्टेंस तो वो भी 10 ही है मेरा, बेस नहीं बेटा ये देखना, ये भी तेरा हाइट ही होगा, ये भी तेरा हाइट ही होगा, ये भी तेरा हाइट ही होगा, सब 10 ही तो हो रहा है, ठीक है। तो ये हाफ 60 × 10 आंसर 300 मीटर आ रहा है। सर हमें भरोसा नहीं है, देखो अब अपन लोग फॉर्मूला से करते हैं। यू की वैल्यू आपको कितनी 10 पता है, वी की वैल्यू कितनी पता है आप लोगों को 50, टी की वैल्यू आप लोगों को 10 पता है, एक्सेलरेशन आपने निकाला था 4 आया था पहले जो निकाला था, भरोसा है उस पर। अब देखो आप ऐसे भी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो या 2as भी लगा सकते हो, ये चीज़ पर तो भरोसा ना, कोई भी लगाओ आंसर सेम देगा उसका। अब देखो 10 × 10 प्लस हाफ 4 × 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 2 × 100 200, देखो आंसर 300 अभी भी आया है, समझाए क्या हुआ है। हाँ शांति,
नहीं, तुम लोगों का अगर ग्राफ दिया हुआ रहे, तुमको स्लोप और एरिया से ही निकालना है हमेशा, कुछ भी हो जाए तुमको बोला ही जाएगा यूजिंग द ग्राफ, तुमको या स्लोप या एरिया से ही निकालना है तुमको। तो ये बस मैं तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि हाँ अपन कोई गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सचपाल, जिन लोगों को स्कूल में ट्राइंगल और ट्रपेजियम में डिवाइड करके करने के लिए बोला है, आपको वैसे करना करो, समय ज़्यादा लगता है। अपन ट्रपेजियम का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इट विल हेल्प यू मच मोर, ठीक है। प्लस यही चीज़ों को अपन डेरिवेशन में भी यूज़ करने वाले हैं। हाँ सचपाल बोलो। क्या ट्राइंगल बनवाया ना, वो कोई जरूरत है तो कोई समझ जाना क्या हुआ है, वो बच्चे हैं वो लोग। हाँ बैठ जा बेटा, कोई ऑनलाइन में कुछ पूछ रहा था, आई थिंक राजा कुछ बोल रही थी। हो गया, हाँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अपन अब नेक्स्ट सेशन में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेशन कुछ भी मिस नहीं करना। पर आज के ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्राफ व्राफ के इसमें ये वाले इसमें स्लोप या फिर एरिया वाले में थोड़ा भी डाउट है, वो लोग प्लीज़ एक बार देख लेंगे और कुछ भी रहा था मुझसे पूछ लेंगे। ट्यूसडे का सेशन वो मैथमेटिक्स इज क्रेज, फिजिक्स इज क्रेजीली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सी यू गाइस, बाय।